हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यह इंग्लिश की आपकी पोएम की जितनी भी है, सिक्स पोएम इस बार आपकी उस अभी जो प्री बोर्ड होने वाले हैं उसमें सिक्स पोएम आने वाले हैं। तो सिक्स पोएम में हम पहला से शुरू करते हैं और उसके बाद यह दूसरा इसमें आपको नहीं आ रहा है, बाकी उसके बाद बाकी सारे पोएम्स आ रहे हैं। डाल दिया है उस अध्याय के बाद, यह हमारी पोएम्स की जो भी कक्षाएं हैं देखते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले माई मदर और एट 66 ईयर, अबाउट द ऑथर, उसके बारे में। कमला दास 1934 वॉज बॉर्न इन द मलाबार केरला, मालाबार केरला में है। सी इज द रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियंस फॉरमोस्ट पोएट, यह इंडियन पोएट है और यह रिकॉग्नाइज है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है फिर, उसके बाद हर वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सलिटी वर्सलिटी एंड द इंडिजेनियस फ्लावर फ्लेवर ऑफ द सॉइल। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम मलयालम अंडर द नेम मध्य बिकुटी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोबेल अल्फाबेट्स ऑफ लुस्ट 1977, या कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मा पद्मावती द हॉटलॉट एंड अदर्स स्टोरीज 1992। इन ये सारे उनके द्वारा लिखी गई जितने भी नॉवेल्स वगैरह है, स्टोरीज वगैरह, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इन एडिशन टू फाइव बुक्स ऑफ अ प्रॉपर्टी, सी इज अ सेंसिटिव राइटर्स ऑफ कंप्यूटर्स सॉरी हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब टाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल आइडम आइडम माई मदर एट 66 एट एन एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बिफोर यू रीड, ए लैंगिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर अर्लियर इल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं जिसमें कहता है कि फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन मॉथर्ड हर फेस एज सीन लाइक डैट ऑफ corpses and realized with pain that she thought away and looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinkling the merry children sprinkles out of their houses homes but after the airport security check standing a few yards away I looked again at her one pale play as a late winter's moon and felt that old familiar edge. Then my childhood fair, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Kamala Das. Sprinting short fast race, running on colorless word meaning notes, dozen मतलब sleep यानी सोते हुए मुते हुए, courtship dead body या मुर्दा, sprinting दौड़ते हुए, splinging going out बाहर निकलते हुए, worn colorless यानी बदरंग, जो कि बदरंग, आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, पिछले शुक्रवार को सुबह अपने माता पिता के घर से, इसी का हिंदी है, पिछले शुक्रवार को सुबह अपने माता पिता के घर से कोची आते हुए कार में अपना बगल में बैठी अपनी माँ को मैंने खुले मुंह सोते हुए देखा। उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह राख जैसे रंग लिए हुए था और मैंने कष्ट के साथ अनुभव किया कि वह विचारों के संसार में कहीं दूर चली गई लगती थी, पर मैंने शीघ्र ही उस विचार को मन से निकाल फेंका और बाहर
निकाल फेंका और बाहर बाहर युवा वृक्षों को तेजी से उभरते देखा। खुशी में डूबे बच्चे को घर से गुजरने के बाद उसके कुछ दूरी पर खड़े होकर मैंने एक बार फिर उसकी ओर देखा। रंगीन पीला चेहरा जैसे कि शीतकाल के अंतिम दिनों का चांद हो। और फिर वही पुराना परिचय, दर्द महसूस किया, वही भय जो मुझे बचपन में सताता था। पर कहा मैंने सिर्फ इतना, अम्मा फिर मिलेंगे। और मैं सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। आपका अध्याय समाप्त होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, थिंक्स यू आउट, इसको देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें कहता है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड द एच एच डेट द पोएट फील्स। क्या हुआ, द पोएट फील्स द पेन एंड एच विच इज बॉर्न आउट ऑफ द फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर। एज अ चाइल्ड द पोएट फियर्ड being separated from her mother. Now when the mother is old and big, the poetess feels the same of fear again. Okay? आगे देखिएगा, फिर कहता है why are the young trees described as sprinting? कहा the poet is in the car as she looks out of the windows. She feel the trees in the distance are racing away. The young trees remind the poetess of her younger years, which have run by very quickly. They also remind her of the children who run happily while the old people like her mother cannot move. Okay? Next question. Why has the poet bowed in the image of the married children sleeping out of their homes? The married children stand as a contrast to the old mother sitting beside the poetess. The mother's ashen face is a contrast to the rosy faces of the children. The young children are merry, but the old faces are sad. Yet both of them are the part of a life. Okay? The next question. Why has the mother been compared to the late winter as winter's moon? Yeah, mother has been compared to the late winter's moon because the moon in his seas looks weak and cold, like an old person. It has lost the charm, मतलब अपनी चेहरे की जो charm खत्म हो जाती है, charm which it has in the summer season. In summer, the same moon looks bright like a merry child. Okay, next question. What do the parting words of the poet and her smile signify? The parting words and the smiles of the poet signifying her failure with the words. She feels the pain born out of the fear to separations from her mother who is so old and weak. Got it, everybody? चलिए, यह आपकी पोयम समाप्त होती है। हम फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।